नमस्ते, आज हम रसायन शास्त्र का एक बहुत ही जरूरी भाग पढ़ेंगे जो है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। हिंदी में से कहा जाता है अम्ल, क्षारक और लवण। हम इस वीडियो में अम्ल और एसिड शब्द, बेस और क्षारक शब्द दोनों ही इस्तेमाल करेंगे। एसिड और बेस अंग्रेजी शब्द है, पर इनका प्रयोग हिंदी में भी किया जा सकता है। एसिड और बेस का सरल अर्थ, खाने की चीज में खटास एसिड यानी अम्ल के कारण होती है और खाने की चीजों में कड़वाहट बेस यानी क्षारक की उपस्थिति से होती है। जैसे नींबू, नींबू का स्वाद खट्टा होता है। इसका कारण यह है कि नींबू के अंदर कुछ एसिड होते हैं। वही वॉशिंग पाउडर या साबुन अगर मुंह में जाता है तो हमें कुछ कड़वाहट महसूस होती है, इसलिए क्योंकि इनके अंदर बेस की उपस्थिति होती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ज्यादातर एसिड और बेस कोरोजिव होते हैं, यानी वे चमड़े को जला देते हैं, इसलिए उन पर स्वाद का टेस्ट नहीं किया जा सकता। अम्ल क्षारक सूचक, प्रकृति में कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो एसिड या बेस की उपस्थिति में अपना रंग बदलते हैं। इनका प्रयोग एसिड और बेस में फर्क करने में आता है, इन्हें सूचक कहा जाता है। कुछ उदाहरण है लिटमस, फेनोफ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज और यहाँ तक कि हल्दी पाउडर। हम लोग लिटमस का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। लिटमस एसिड में लाल रंग ले लेता है और बेस में नीला रंग। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये लिटमस को लाल कर देता है यानी एक एसिड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लिटमस को नीला कर देता है यानी एक बेस। इस चित्र को अगर देखा जाए, जैसे कि अगर पहले से ही लाल रंग के लिटमस पेपर पर एक बेस का बूंद डाला जाए तो वह हिस्सा नीला हो जाता है, और इसी का उल्टा होता है जब हम ब्लू लिटमस पेपर पर एक बूंद एसिड डालते हैं। अब हम देखते हैं कि एसिड और बेस धातु के साथ कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए एक फ्लास्क में जिंक के कुछ कणिक लीजिए, उस पर धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। कणिकाओं के आसपास हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, जिन्हें अगर जलाया जाए तो पॉप का आवाज आता है। इसका समीकरण रहा ये, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। बेस का उदाहरण के लिए इसी प्रक्रिया को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करिए, जिसका समीकरण कुछ ऐसा आता है, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन। ये दोनों उदाहरण को देखने में पता चलता है कि धातु के साथ प्रतिक्रिया जब भी बेस या एसिड करते हैं तो एक लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। अब हम देखते हैं कि धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक में सोडियम कार्बोनेट और एक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसमें धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो कुछ ऐसा समीकरण प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते हैं। अगर इन बुलबुलों को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल से पास किया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी का उत्पत्ति होती है, और अगर इसी घोल से और CO2 अगर पास किया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। टेस्ट ट्यूब एक का उदाहरण पे वापस आते हैं तो देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर सोडियम क्लोराइड लवण, पानी और CO2 बनाते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि जब धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी की उत्पत्ति होती है। अब हम जानते हैं कि एसिड और बेस दोनों के खुद के बीच कैसी प्रतिक्रिया होती है। एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लीजिए, उसमें फेनोफ्थैलिन सूचक डालिए और रंग पर ध्यान दीजिए। अब ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए और रंग परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड लवण और पानी बनाता है। ऐसा ही कुछ तब होता है जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं। इस उदाहरण को करने पर हम देखते हैं कि घोल का रंग पहले गुलाबी था और फिर वह बेरंग हो जाता है, यानी एसिड और बेस की प्रक्रिया होने पर एक न्यूट्रल यानी उदासीन लवण बनता है जो ना ही एसिड है और ना ही कोई बेस है।
अब हम एसिड और धातु ऑक्साइड के बीच की प्रक्रिया देखेंगे जो धातु जो एसिड और बेस की प्रतिक्रिया के समान है। बीकर में कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, उसमें धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, एक नीला घोल बनता है और कॉपर क्लोराइड बनता है जो इस घोल में घुल जाता है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर कॉपर क्लोराइड एक लवण और पानी का उत्पाद करते हैं। धातु ऑक्साइड जो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है वो हमेशा एक बेस यानी क्षारक होते हैं, तभी वह इस तरह का एक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दूसरी तरफ बेस और धातु ऑक्साइड की प्रक्रिया हम देखते हैं, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होती है, कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पाद होता है और पानी भी निकलता है। यह प्रतिक्रिया भी एसिड बेस प्रतिक्रिया जैसी ही है। तो इसे हमें यह बताते हैं कि अधातु ऑक्साइड तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वे एसिड यानी अम्ल होते हैं। अब एसिड और बेस के बीच कुछ समानताएं देखते हैं। दिए गए चित्र के अनुसार हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, बस इस बीकर के अंदर स्थित जो घोल है उसको हम बार बार बदलते हैं। अगर हम घोल में कोई एसिड या कोई बेस लेते हैं तो ये बल्ब जल उठता है, इसका मतलब ये एसिड और बेस के अंदर बिजली तैर सकती है। परंतु अगर हम घोल में ग्लूकोज या इथेनॉल जैसा कुछ लेते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एसिड या बेस नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि एसिड या बेस के घोल में कुछ ऐसे आयन निकलते हैं, क्योंकि आयन ही वो चीज हो सकते हैं जो बिजली को का संचालन में मदद कर सकते हैं। हमें यह पता चला है कि एसिड हमेशा H प्लस आयन देते हैं और बेस हमेशा OH माइनस आयन दिया करते हैं। अब जानते हैं कि एसिड और बेस पानी के अंदर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वाष्प निकलते हैं। इस वाष्प के सामने नीले रंग के गीले और सूखे लिटमस पत्र को लाते हैं। हम देखते हैं कि बस नीले लिटमस पत्र का रंग ही लाल होता है। इसका यह मतलब हुआ कि एसिड अपने H प्लस आयन सिर्फ पानी के घोल में ही देते हैं। इसका समीकरण हुआ HCl प्लस पानी, मतलब पानी में मिला के मतलब क्लोराइड आयन और H3O प्लस आयन। और हमें तो लगता था कि H प्लस आयन आना चाहिए। H प्लस आयन कभी भी अकेले नहीं रह सकता, या पानी से मिलके H3O प्लस आयन बन के ही रहता है। बेस में भी कुछ ऐसा ही होता है, NaOH अपघटित होकर Na प्लस आयन और OH माइनस आयन बनता है। इसी तरह से समझ सकते हैं कि एसिड और बेस मिलाने पर पानी क्यों निकलता है। एसिड का H प्लस बेस का OH माइनस मिलकर पानी H2O बनाते हैं। अब एसिड और बेस के बीच में जो ताकत का अंतर है उसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। पीएच स्केल 0 से 14 तक जाता है। अलग अलग पदार्थों को इस पर सजाकर उनके ताकत के बीच अंतर को मापा जा सकता है। 7 पीएच का मतलब उदासीन पदार्थ यानी जो ना एसिड है ना बेस। 0 से 7 पीएच का मतलब हुआ एसिड पदार्थ, उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 7 से 14 पीएच का मतलब हुआ एक बेसिक पदार्थ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। पीएच जितना कम होता है एसिड की ताकत उतनी ज्यादा होती है, पीएच जितना ज्यादा होता है बेस की ताकत उतनी ज्यादा होती है। कुछ उदाहरण देखते हैं। खाना पचाने के लिए पेट में HCl इसका पीएच 1 होता है का उत्पाद किया जाता है। पीएच 1 का मतलब यह काफी ज्यादा एसिड की ताकत है। पेट में ज्यादा HCl बनने से पेट में जलन होता है और इसे ठीक करने की दवाई में मुख्यतः मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है जो एक बेस होता है जिसका पीएच होता है 9। यह भी काफी ताकतवर पीएच है। यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रतिक्रिया कर पानी और लवण बनाता है जो पेट की जलन को खत्म कर देता है। हमारा शरीर पीएच 7 से लेकर 7.8 के बीच में काम करता है बहुत बढ़िया से। एक और बात जानने लगी है कि दांत तब सड़ते हैं जब मुंह में पीएच 5.5 से कम हो जाता है, यानी जब मुंह के अंदर के एसिड की मात्रा काफी बढ़ जाती है।
इसी तरह से हम लवण का पीएच भी माप सकते हैं। अगर ताकतवर एसिड और ताकतवर बेस से मिलता मिलके कोई लवण बनता है तो वह उदासीन होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मेल से बनता है। ताकतवर एसिड और कमजोर बेस के मेल से बनने वाला लवण एसिड होता है। उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मेल से बनता है। कमजोर एसिड और ताकतवर बेस का लवण एक बेस होता है यानी क्षारक होता है। उदाहरण के लिए सोडियम एसीटेट जो एसेटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मेल से बनता है। NaCl में कई उपयोग हैं, उनमें से एक है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना। जब NaCl के घोल से बिजली पास की जाती है तब NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH में अपघटित हो जाता है। इसे क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहा जाता है। ये रहा उसका समीकरण। NaCl और पानी में जब बिजली पास की जाती है तो NaOH क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्लोरीन गैस एनोड के पास निकलता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड के पास, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैथोड के पास ही बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग लैबोरेटरी में पेपर बनाने में और कई जगह काम आता है। क्लोरीन गैस का उपयोग होता है पानी की सफाई में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन और अमोनिया जैसे अन्य पदार्थ बनाने में आता है। ब्लीचिंग पाउडर भी एक बहुत जरूरी कॉम्पाउंड है। इसे हम क्लोर एल्कली प्रक्रिया में निकले क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर बनाते हैं। तो हम समीकरण है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन मिलकर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और पानी। इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग घर में साफ सफाई में आता है। एक और उपयोग है बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 बनाता। बेकिंग सोडा का उपयोग घर में पकौड़े बनाने में आता है, जो आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। बेकिंग सोडा कुछ नहीं पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे NaCl से बनाया जाता है। जब हम NaCl सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाएं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करें तो NH4Cl और NaCO3 यानी बेकिंग सोडा बनता है। NaCO3 को गर्म करने पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये प्रक्रिया हम कई जगह देखेंगे। तो इस बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है? बेकिंग सोडा को जब किसी खाने योग्य एसिड से मिलाया जाता है तो बेकिंग पाउडर बनता है और CO2 निकलता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड काम आता है ब्रेड और केक को फुलाने में। और इसी प्रक्रिया कई जगह अग्नि शावकों में भी काम आता है, आग बुझाने में। ये CO2 जब निकलता है तो यह आग को घेर के ऑक्सीजन का सप्लाई को काट देता है। एक और उपयोग है वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3 10H2O बनाना। तो बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, और जब इसके क्रिस्टल बनाए जाते हैं पानी में तब Na2CO3 10H2O यानी पूरा वॉशिंग सोडा बनता है। इसका उपयोग है ग्लास, साबुन और पेपर बनाने में, और इसका उपयोग बोरेक्स जैसे कंपाउंड बनाने में भी आता है। साफ सफाई में भी वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में 10H2O का क्या अर्थ है। क्या यह बताता है कि लवण के जो क्रिस्टल होते हैं वह गीले होते हैं या सूखे होते हैं? यह प्रश्न है। जब कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टलों को गर्म किया जाता है तो एक सफेद पाउडर सा बनता है। ऐसे ऐसे होता है क्योंकि अंदर स्थित सभी पानी बाहर निकल जाता है, और पाउडर को जब फिर से पानी में मिलाया जाता है तो नीला रंग फिर से आ जाता है। इसलिए है क्योंकि कॉपर सल्फेट में 5 पानी के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। लवण की हर इकाई से जुड़े जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। तो कॉपर सल्फेट में 5 क्रिस्टलन के जल अणु होते हैं, वॉशिंग सोडा में 10 अणु ऐसे होते हैं। हम जिप्सम का उदाहरण लेके उसका उपयोग बताते हैं। जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट, इसकी हर अणु से 2 पानी के अणु जुड़े हुए हैं। जब गर्म करने में पानी निकल जाता है तो एक सफेद पाउडर सा बनता है जो है कैल्शियम सल्फेट और आधा H2O। इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आधा H2O का अर्थ होता है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के अणु एक पानी के अणु को एक दूसरे में बांट के रहते हैं। जब कोई हड्डी टूट जाती है तो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी से मिलाकर
परत दर परत चढ़ाया जाता है, एक कड़ा ढांचा बनता है जो बाद में हड्डी को हिलने से रोकता है। इसी के साथ हमारा एसिड बेस सॉल्ट यानी अम्ल क्षारक और लवण का सफर खत्म होता है। इनका उपयोग कई जगह होता है और आपने उदाहरणों के द्वारा इसे जरूर देखा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने असली जीवन में भी इसी के उदाहरणों को अपने आसपास देखें और समझें। धन्यवाद।